दोस्तों बड़े चलो पत्रिका का एक प्यारा सा कोट कि सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच आपकी खुशियों के जन्मदाता होते हैं। तो दोस्तों आप कैसी सोच रखते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, ये आपकी खुशियों और सफलता के लिए महत्वपूर्ण अंग है। तो आपने अपनी सोच कैसी बनाई है ये आपको आज ही सोचना पड़ेगा। आपको आपका दृष्टिकोण कैसा है ये भी आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं सफलता, और अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक सुंदर व्यक्ति बनना है और सफलताएं पानी है, ऊंचाइयों तक पहुंचना होगा, तो इन दो चीजों का खास तौर पर ध्यान रखने का जरूरत है। वो है आपका दृष्टिकोण अर्थात आपका नजरिया। नजरिया से तात्पर्य ये है कि आप किसी भी घटना को, किसी भी चीज को जो आपके साथ हुई है या होने वाली है, जो आपके साथ समय गुजरा है या गुजर रहा है, उसके बारे में आप कैसा नजरिया रखते हैं। तो यदि आप नजरिया रखते हैं पॉजिटिव, जी हाँ सकारात्मक, तो आपके जीवन में उससे रिलेटेड जितनी भी चीज होने वाली है वो सकारात्मक ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक पॉजिटिव होता जा रहा है। तो आपने जीवन में सफलता का सबसे पहला जो सूत्र धारण करना है कि अपना नजरिया जो है वो सही बना लेना है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति की देन है अर्थात भगवान की देन है। तो आपने यही सोच के रखना है कि जो मुझे दिया गया है, जो मेरे साथ हो रहा है, वही एकदम सही है। जैसे ही आप ये नजरिया रखेंगे आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होने लग जाएंगे, आप सफलता की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। और दूसरा होता है आपकी सोच। जब हम लोग अंदर से सोचने लगते हैं, हमारे अंदर की चीजें पॉजिटिविटी को बाहर लेके आने लगती हैं, तो हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है, जो प्रकृति होती है, हमारे चारों तरफ पॉजिटिविटी, सकारात्मक चीजें, सकारात्मक प्रवृत्ति पैदा कर देती है, और यही एक एनर्जी बन जाती है जो आपके लिए सफलता के जो क्षण हैं उनको बनाने में मेहनत करने लगती है। अर्थात आपकी अंदर से सोच निकलेगी, वो एनर्जी क्रिएट होगी और आपके चारों तरफ जो आप चाहते हैं वही होने लग जाएगा, अर्थात आप सफलता की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन उसे फॉर्मूला नहीं पता, उसे नहीं पता कि जीवन में उसको क्या क्या और कब कब और कैसे कैसे करना है, इसीलिए उसके जीवन में कुछ कमियां रह जाती हैं। तो आपको अभी तक दो सूत्र याद रखने हैं, आपका दृष्टिकोण अर्थात नजरिया बदलना है और अपनी सोच बदलनी है। जैसे ही आप इन चीज़ों को पॉजिटिव लेके आएंगे जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो आप मेहनत कर रहे थे, जिनमें जो उनमें कठिनाइयाँ आ रही थी, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो आज से ही अपना दृष्टिकोण बदलें, अपनी सोच बदलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं हूँ राजेश आर्य, आपका कैरियर काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।